तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी 7:30 ही बज रहे हैं मॉर्निंग के। बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग नहा धो लिए और नींद भी पूरी हुई नहीं है, आंखें भी लाल हो रही होगी। और अभी हम लोग बस में हैं, यहाँ सेटल बोलते हैं इसको, और अभी हम जा रहे हैं गूगल कैंपस। बाकी सारे इवेंट वहीं पर होंगे और तभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई फाइनली हम गूगल कैंपस पहुँच गए हैं, देख सकते हो गूगल। चलो ऊपर चलते हैं आप सब लोग, है ना, आ जाओ। तो यहाँ गूगल कैंपस में सभी कंट्रीज के प्रोडक्ट एक्सपर्ट और वीडियो कंट्रीब्यूटर्स हैं और अभी स्टार्ट ही होने वाला है बस इवेंट। ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, बस थोड़ा लेट हमारे योगी महाराज जो है भुक्के हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मेरे को टेंशन नहीं है। लेट क्या उठे भाई, नींद पूरी नहीं हुई यार। तो भाई अब नो मोर भूख, हमें मिल गया है एप्पल। एप्पल खाएंगे, इससे काफ़ी भूख खत्म हो जाएगी, बाकी हमें मिल जाएगा बहुत कुछ खाने को। तो भाई गूगल में एप्पल खा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी है कि एप्पल को खा जाओ। एप्पल आप खा जाओ गूगल पे आओ। ओके, ये सही है। हम शूट एप्पल से कर रहे हैं। हाँ एप्पल से शूट कर रहे हैं और उसको ही खा रहे हैं। उसे खा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमें ऑडियो की मशीनें मिल गई है, अब हम इनको यूज करके प्रोडक्ट्स हम इनको सुनने वाले हैं। भाई ये मशीनें मिल गई है, ट्रांसलेट करो कोई भी लैंग्वेज में। चलो इधर ही बैठते हैं, बिल्कुल बीच में हो जाओ। क्यों? बिल्कुल क्लियर क्लियर। हाँ यहाँ से आएगा, मशीनें लगाता हूँ पहले। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज लिखी है, 9 लैंग्वेज में ये जो सबमिट होने वाला है। और यहाँ पे इस मशीन का कमाल ये है भाई साहब कि इस मशीन में हमने जो अपना हेडफोन है वो यहाँ पे लगा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा तो इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑन किया मैंने, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें जो वॉल्यूम है वो तेज वगैरह करने का है। यहाँ पे चैनल्स, जैसे एक नंबर पर सामने चाइनीज का तो चाइनीज में बात आएगी आवाज, यहाँ पे फिर हिंदी में आएगी, फिर इंग्लिश में आएगी। ऐसे 9 लैंग्वेज में हम 9 चैनल चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से ये एक तरीके से गजब का एक डिवाइस है जो ट्रांसलेट करके आपको सुनाता है। अभी हमारा जो कीनोट सेशन था वो खत्म हो गया है और इसके बाद अभी ब्रेक चल रहा है, थोड़ा हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और इसके बाद दूसरा सेशन हमारा चालू होने वाला है। तो फाइनली वीगन में हमें थोड़ा बहुत आइटम मिला है, ये बेकरी आइटम है, ये थोड़ा वीगन मिल गया है। तो चलो भाई ये कुछ नया है, ट्राई करते हैं और टेस्ट बताता हूँ आपको। स्वीट है और नमकीन में कुछ नहीं है, चलो खाते हैं फटाफट। तो अभी एक क्विक सेशन हुआ हमारा, मिस्टर गौतम आनंद जी ने लिया था और ये एशिया पैसिफिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे यूट्यूब ने काफ़ी कंट्रीज़ की जीडीपी में जो है योगदान दिया। काफ़ी सारे करीब 8.5 लाख यूट्यूबर हैं जो कुछ छोटी मोटी कंट्रीज से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इवन जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ के, वो यूट्यूबर को कह रहे हैं कि और जाके एग्जैक्टली यूट्यूबर बनो, यूट्यूबर बिकॉज काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा वगैरह भी है। और आने वाले टाइम में 2023 में यूट्यूब फोकस कर रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों पैसा कमा सके, बहुत सारे नए नए अर्निंग रेवेन्यू सोर्सेज लेकर आ रहे हैं। तो ये सब जानकारी मिली, अगला सेशन कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। काफी सारे सीजन हो चुके हैं, अभी लंच टाइम चल रहा है तो अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं। भाई लंच नहीं करना क्या? चलो फिर चलो चलो लंच करते हैं। लंच में थोड़े वेज आइटम भी काफी हैं। देख क्या मैं वही देख क्या हूँ कि वेज आइटम है। अच्छा अच्छा चलो फिर करते हैं लंच, लंच तो एक तरफ है। बहुत अच्छे सेशन हो रहे हैं और बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और जो भी हम सीख रहे हैं वो हम आपको भी सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे वीडियोस के माध्यम से। और बस आप ये मान के चलिए कि 2023 बहुत धमाल होने वाला है। हाँ एशिया पैसिफिक के लिए ये बिल्कुल सही बात है। तो बस अपने जो चीजें हैं उनका कीजिए, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज मिलती रहे। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज लीजिए, पूरी वीडियोस देखिए। लो भैया यहाँ पे लंच लगा हुआ है। तो भाई आज वीगन आइटम बहुत सारे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा वीगन है। आप देख लो बस। यहाँ पे ये कुछ मिठाई है, ब्लू कलर के राइस है, ये पता नहीं क्या है, ये ब्रोकली है, बाकी ये पिकल है, पिकल भी अलग तरह का है, ये पता नहीं क्या है, खा लेते हैं बस, है वीगन, हमने ये कन्फर्म कर लिया। तो भाई फूड का थोड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। ये है पिकल, पिकल का टेस्ट होना चाहिए नमकीन, बट ये स्वीट है। और ये ब्लू राइस है, इसमें खाने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप राइस खा रहे हो, बिल्कुल अलग है। और ये आपको लग रहा होगा नूडल्स है, बट ये नूडल्स नहीं है, टेस्टी नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, ये है भैया मशरूम की सैलेड। तो इसको भी थोड़ा ट्राई करते हैं, मशरूम सैलेड को भी। बाप रे,
ये बहुत तीखा था, बहुत तीखा, बहुत तीखा है भाई ये। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, ये है शकरकंदी स्वीट पोटैटो। इसका टेस्ट थोड़ा ठीक है, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस पेट भर रहे हम लोग ये सोच के कि हाँ वीगन मिल रहा है। तो भाई लंच हमारा कंप्लीट हो गया है, और एक चीज़ मेरे को यहाँ पे पता चल गई है भाई कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन को भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब नॉन वेज में यहाँ पे अलग तरह के है, वेज का तो आप छोड़ ही दो, और हम जैसे वेजिटेरियन के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ सब कुछ बढ़िया है, कंट्री क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है, सुंदर है, बट खाने का प्रॉब्लम तो रहेगा। और अगर आप MNCs में जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज है इनके इवेंट्स में जाते हो तो 100% खाने का प्रॉब्लम आपको रहेगा ही रहेगा। तो बस कैसे भी करके पेट भर लो, उसके बाद कोई हाइब्रिड सा फ्रूट ले लो, कोई एप्पल ले लो, वो खा लो तो आपके मुँह का स्वाद थोड़ा बदल जाएगा। बस इतना ही है, बस यही थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सिंगापुर में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है मेनली 4 लैंग्वेजेस बोली जाती है। यहाँ के सिंगापुर की लोकल लैंग्वेज है मले, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे MRT में जाओगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सबसे पहला अनाउंसमेंट होता है इंग्लिश में, सेकंड होता है मले में जो है कि लोकल लैंग्वेज है, थर्ड होता है चाइनीज़ में, और फोर्थ होता है तमिल में, या कभी तमिल में थोड़ा जाता है, फोर्थ चाइनीज़ में। यानी कि 4 लैंग्वेज इस कंट्री के अंदर स्पेशली बोली जाती है। तो भाई इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया, अभी कुछ खाने को अच्छा मिल रहा है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये है रेड वेलवेट केक, और ये भी एक केक है, डिज़ाइन बहुत अच्छा सिया गया है। ये है सिंगापुर का, ये क्या होता है ड्रैगन होता है ना, ये भी एडेबल है, और अच्छा चाइनीज ड्रैगन है पर एडेबल है, न्यू ईयर आ रहा है ना इसलिए। और ये है PS22 सिंगापुर, ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। तो चलो कुछ तो अच्छा मिला आज खाने के लिए। तो भाई हमारे PS के सारे जो सेशंस थे वो कंप्लीट हो गए, और अब हम गूगल ऑफिस से निकल रहे हैं, और हम जा रहे हैं अभी हम क्या होटल वापस जाएंगे, और होटल से फिर हम निकलेंगे स्काईलाइन मरीन बे सैंड्स, स्काईलाइन सिंगापुर। वहाँ पे हमारी नाइट पार्टी होने वाली है, क्लोजिंग पार्टी, बहुत ही जबरदस्त वाली, मजा आएगा। फाइनल कंक्लूजन हम आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो भाई गूगल का ऑफिस देख लो, यहाँ पे इतना बड़ा आया ह्यूज मोबाइल में अभी नेट प्रोवाइडर भी, ये है गूगल का ऑफिस, ये आप देख लो, यहीं पे थे हम अंदर। तो अभी मरीना बे सैंड्स पे हम पहुंच चुके हैं और 57th फ्लोर पे हम जा रहे हैं। आई थिंक देयर इज अ टॉप फ्लोर। Yes, absolutely. तो उस ऊपर तो है ही नहीं ना, वो पार्टी तो वहीं है। 57 पर जा रहे हैं और वहाँ पे चल रही है फुल पार्टी। Yes, तो शॉट्स के लिए रेडी रहिएगा। Yeah. तो भाई पार्टी इज गोइंग ऑन और यहाँ पे खाना आ गया है, बाकी खाने के नाम मुझसे मत पूछना क्योंकि बहुत ही कुछ अलग अलग है। ये वेजिटेबल थाई करी है, इसके बारे में मेरे को थोड़ी नॉलेज है, बाकी भूख लग रही है तो पहले खाना खाते हैं फिर आपको व्यू दिखाएंगे थोड़ा। तो दोस्तों फिलहाल हम बहुत मजा कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम 57 फ्लोर पे आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सिंगापुर का व्यू दिख रहा है। ये है मरीना बे सैंड्स टॉप फ्लोर, फुल सिंगापुर का व्यू, ये देखिए वाओ। हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, नींद बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है, अभी फ्लाइट में सोने का है। यहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया है, लगेज हमने यहाँ पे दे दिया है, और अभी फ्लाइट हमारा 8:30 पर है और अभी 7:30 हो रहा है, अभी 7:10 हुआ है, 7:10 हुआ है, तो करीब 2 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलिए फ्लाइट लेते हैं, फ्लाइट में सोऊंगा भाई फुल। तो भाई ये कंट्री बहुत अच्छी है, यहाँ पे एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था ना बहुत कमाल था, कुछ नहीं पूछते इंडिया की तरह, मशीन में एक मशीन लगी हुई है उसमें अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास जो है वो स्कैन कराओ और हो गया इमिग्रेशन। आपका क्या फीडबैक है भाई? बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत टाइम बचता है, हमारे यहाँ तो 4-4 घंटे लग जाते हैं इमिग्रेशन में ही। यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल है, मतलब कुछ डाउट ही नहीं करते किसी पे, डाउट नहीं करते, और अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप कहीं भटक गए हैं तो लोग आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हमें नहीं पता जी, नहीं बहुत बहुत बढ़िया है, और कितना भी अमीर आदमी हो आप पैदल चल रहे हो तो आपकी हेल्प करेगा वो, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो भैया सिंगापुर का जो इमिग्रेशन था, जो सिक्योरिटी चेक इन था, बहुत लाजवाब था, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा मैं करने के लिए। बाकी आप मुझे बताओ भाई सिंगापुर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि लोगों का बिहेव कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत हेल्पफुल लोग हैं और आपकी हर जगह हेल्प करते हैं, छोटा बड़ा जात पात कुछ नहीं समझते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। बस एक ही शिकायत है यार, खाने की समस्या बहुत बड़ी है, खाने का थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी ये कंट्री बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, हम लोग काफी हैप्पी रहे हैं। जो रेनाउंड आउटलेट्स है ना, मैकडॉनल्ड्स हो गया, सबवे हो गया, वहाँ पे भी दिक्कत है, उनके जो डिशेस हैं वो डिफरेंट है हमारी डिश का। एग्जैक्टली,
ये दिक्कत है, बाकी मे बी वो डिसीजन उनके लिए अच्छी हो सकती है, बट एज ए इंडियन वो हमें पसंद नहीं आई। बहुत अलग है, अलग लेवल का है। और वेजिटेरियन हो मेरी तरह तो भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, बाकी कंट्री में सब कुछ अच्छा है, इसके अलावा खाने को जोर देना चाहिए। हाँ, अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारा जो है बोर्डिंग होने वाला है आफ्टर 10 मिनट, तो बस हम फ्लाइट का वेट ही कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी जो रिटर्न फ्लाइट है वो बोर्ड हो चुकी है। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 9:12 हो रहा है, तो 9:30 टेक ऑफ होने वाली है और हम वापस इंडिया जा रहे हैं। बाय बाय सिंगापुर। तो भाई फाइनली हम दिल्ली लैंड कर चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 1:20, मेरी घड़ी में 4 बज रहा है, अभी सिंगापुर टाइम नहीं है वो, अभी अपडेट हो जाएगा। बताओ भाई क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सिंगापुर ट्रिप का? बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। जो सीख क्या है, 2023 छोटे क्रिएटर्स के लिए, बड़े क्रिएटर्स के लिए, मंझले क्रिएटर्स के लिए, सबके लिए अच्छा रहने वाला। यस, तो बस मेहनत करते रहिए और अपना काम करते रहिए। लो भाई हमारा तो लगेज आ गया, मिल गया भैया लगेज। तो भाई लगेज हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया और अब चलते हैं ओला लेंगे, पहले रेलवे स्टेशन जाना है तब जाके अलवर पहुँचेंगे। तो चलो भाई आप चल रहे हो ना बैग लेके, या फिर करेंसी चेंज कराओ? पहले करेंसी चेंज कराऊँ। चलो तो आओ बाहर तक तो चलते हैं साथ। तो भाई सब लोग अपने अपने घर निकल गए और मैं लगेज लेके यहाँ पे अभी पिकअप पॉइंट पे खड़ा हूँ, ओला का वेट कर रहा हूँ। टैक्सी आ रही है, उसके बाद जाएंगे रेलवे स्टेशन, वहाँ से 2 घंटे बाद की मेरी ट्रेन है और फिर मैं अलवर निकलूँगा। तो फिलहाल मैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं और अभी वेट कर रहा हूं, मेरी ट्रेन आने में टाइम है अभी 15 मिनट बचे हुए हैं, तो 15 मिनट वेट करते हैं। बाकी एक ज़बरदस्त सूचना मुझे अभी अभी पता चली है और मैं खुद भी एक्साइटेड हूं। अभी किसी दोस्त के थ्रू मेरे भी बात हुई थी फ़ोन पे, तो पता चला कि जैसे ही मैं अलवर पहुँचता हूँ रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर जो है वेलकम का इंतज़ाम हो रहा है बहुत तगड़े लेवल पर। तो ठीक है, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, करते हैं वहाँ पर शूट, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मुझे सूचना तो मिल गई थी कि अलवर में वेलकम होने वाला है, लेकिन इतना भयंकर वाला होने वाला है ये बिल्कुल भी, मतलब मैं आई कांट इमेजिन। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया, बहुत बढ़िया वेलकम किया और ये सब भाई साहब संध्या जी की प्लानिंग है, सीक्रेट प्लानिंग। तो भाई संध्या बहुत बहुत थैंक यू, बाकी सब लोगों ने किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार और बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आपने देखा विजन संस्थान जो थे वहाँ पे, जो वो लोग गरीबों को खाना खिलाते, तो वहाँ पे मैंने खाना सर्व किया गरीबों को, तो वो और भी ज़्यादा मेरे लिए मतलब सुकून वाली बात थी। तो सब कुछ करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आगे भी मैं ऐसे काम करता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो भी मैं करता रहूँगा आपको भी दिखाता रहूँगा। चलिए अभी के लिए बाय।